ये बर्तन थे देखो पेशु का हाल खेल करके यार पूरा भर के इस्तेमाल कर रहा पूरा बर्तन वैसे ऊपर छत पर बर्तन उनका यही हाल हुआ है पूरे नए बर्तन से रखे हुए थे बक्से भर के पूरा बक्सा ऐसे हुए वैसे ये बर्तन है यहाँ से गुस्सा है इधर से साफ करके छोड़ा साफ करके वहाँ पड़ा है अभी वो ये है वो छा उसका वो मट्टी इसको लगाया इसको फटी नहीं है फटी नहीं है फटी थोड़ा भर गया फटी है फिर कुछ नहीं रहा था इसमें पूरे इधर से टीवी का बीच में घुसा क्या किसी दिन आए ना इधर से चल वो इधर से इस कमरे में आ जाओ मदद करे और दिन राम लगू डाल का पट्टी ना कपड़ों में ये गांव खाना इसको आग लगा डबल मंजर था पूरा लकड़ी सब सब पूरा इसको बंदी कर अच्छा क्या हुआ फिल्म वही था और क्या हुआ फिल्म वही बहुत ज्यादा 5 बजे ट्रेन फिर गोलाबारी हुई बहुत ज्यादा फिर कहाँ भागे कहाँ भागे बाहर थे और मकान अभी कहाँ जाएंगे तो रात भर कहाँ थे आप डर बच्चों वगैरह क्या बच्चे गोलीबारी चलती है तो फिर डर ही बच्चे हैं छोटे छोटे तो बच्चों ने क्या क्या कर लिया डर गए जब ऐसा ये शूटिंग हुआ कल बच्चे रोने लगे तो और क्या कहेंगे बच्चे छोटे बच्चे बच्चे क्या कहेंगे छोटे पीछे मकान में नस गया क्या करना कितनी भारी हुई जी कितनी गोली हुई एक ही हुई क्या पता कितने गोली हुई ऐसी नस गया बचाई बच्चे बचाए पटास पे गया कोई समय नहीं आई 5 बजे 5 बजे का टाइम था तो रात भर बच्चों ने क्या कुछ खाया पिया कख ना जी खागे इसी तरह रह के होफा नाल के खावा कख ना इसी तरह रहने तो बैंकर बैंकर है सौ नहीं हमारा कुछ 5:30 बजे 5 बजे के करीब यहाँ अचानक शेलिंग होगी जिसमें यहाँ पूरे गांव में कम से कम 30 से 35 सेल अभी टाइम पड़े तो जिसमें वहाँ भी नीचे भी हमारे जो 3 मकान जनाबली वहाँ भी 3-4 मकान वहाँ भी जनाब डैमेज हो गए उसके बाद 3 मकान यहाँ भी डैमेज हो गए जनाबली मगर हमने कल से आज तक बहुत हरियासत गांव के अंदर पैदा हो गई अचानक शीलिंग होगी यहाँ बड़े बरगदर मच के जनाबली यहाँ छोटे छोटे बच्चे चलाने लगे उसके बाद हमारे बच्चों ने जनाबली दूसरी जगह हम शिफ्ट कर ले गए जनाबली का रास्ते यहाँ पुलिस की पार्टी भी यहाँ ऑन स्पॉट पहुंची जनाबली उसके ऊपर आर्मी भी आई यहाँ पर हमारी सरकार से पिछले 20 सालों से यही डिमांड रही है हमें किसी हालात से यहाँ बॉर्डर एरिया को जनाबली बैंकर दिया जाए जब ये शेलिंग हुई तो इंडियन आर्मी ने क्या कुछ किया उसके बाद ही फॉरन इंडियन आर्मी आपके पास आई आपको रेस्क्यू करने के लिए या उसके हवाले से बताइए नहीं आर्मी तो थोड़े लेट आई जब पहले पुलिस पार्टी पहुंची आर्मी आज सुबह पहुंची क्या आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया पाकिस्तान आर्मी को जब वो मोर्टार शेलिंग कर रहे थे तो इंडियन आर्मी भी यहां से गया होगा उस टाइम में हम सब लोग अंदर थे जनाबी शीलिंग बहुत हेवी शीलिंग थी जनाबी उसमें कोई पता नहीं चल रहा था ये गोला यहाँ से आ रहा है कि वहां से आ रहा है दोनों तरफ से शीलिंग हेवी हो रही थी अगर आपको पूछे आपकी क्या मैसेज है पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान कंटिन्यूस ऐसी हरकतें करता है सिविलियन को निशाना बनाता है आपकी तरफ से क्या मैसेज है पाकिस्तान के लिए हमारी जो मैसेज यही है जनाबली हम तो बॉर्डर एरिया के लोग हैं जब शीलिंग होती है दोनों तरफ से दोनों सिविलियन को नुकसान होता है बहुत ज्यादा क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो ऐसे लगातार आपको निशाना बना रहे हैं सिविलियन को हमारी यही मैसेज है जनाबली दोनों तरीके से जनाबली यहाँ से जब शीलिंग होती है यहाँ से भी शीलिंग होती है वहाँ भी सिविलियन को वहाँ नुकसान होता है वहाँ से जब शीलिंग यहाँ भी सिविलियन को नुकसान होता है हमारी यही डिमांड है अपनी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार से जनाबली हमें जनाबली पिछले 20 सालों से जो डिमांड है हमारे साथ कर रहे थे हमें आप लोगों को बॉर्डर वालों को हम बैंकर देंगे मगर आज तक हमें किसी ने बैंकर दिया नहीं हुई कि कल शाम को शीलिंग वगैरह यहाँ से चली तो उस शीलिंग में यहाँ पर भी एक गोला आगे गिरा
तो लेकिन गिरते ही वो मिस हो गया, वाटर शेल था वो मिस हो गया। मिस होने के बाद सर आज रात को भी समझो वहाँ पर फोर्स वगैरह रही और पुलिस ने भी उसकी बड़ी रखवाली की और हमें भी बड़ा सहारा दिया। और उसके साथ साथ ऐसा सर ऐसा हुआ कि इस वक्त उसको मिस करना पड़ा क्योंकि उसको ब्लास्ट तो करना ही था। तो सर हमने बोला था पहले ही अगर इस साइड पर लेंगे तो ज़्यादा ही बेहतर है क्योंकि हमारा नुकसान होना बच जाएगा, हमारे मकान डैमेज से बच जाएंगे। लेकिन साहब ने कहा कि असल में बात यह है कि इसको हम टच नहीं कर सकते क्योंकि अगर टच करेंगे तो ये हो सकता है ब्लास्ट हो सकता है, तो इसको रिस्क है। तो हमने उनकी बात मान ली। बाकी हमारे एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि मैंने तो बहरहाल कहा था कि उसको साइड पर ले जाओ, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने हिसाब से कह रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? चाहते ये हैं सर हमारे घर तखमीना लगाया जाए सर। तो हम गरीब लोग हैं तो मुश्किल से अपनी तामीर के लिए अपना गुजारा करते थे क्योंकि हमने अपने सर के ऊपर छपरी बना के रखा है। तो अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम हर साल बनाएंगे सर, खासकर के इसको बनाया था। अब तो इसके कॉर्नर वगैरह बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। तो आपकी आंखों के पूरे बच्चे हमारे रात को हम बाहर रहे, बारिश होती रात को बच्चों को लेकर हम कहाँ जाते हैं? अगर ठीक है पाकिस्तान को चाहिए तो आर्मी के साथ लड़े, हमारे सिबलों को इनके क्या गमाया सिबलों ने इनका, कोई कुछ नहीं है। जब शेलिंग होते हैं क्या आप आर्मी को अपना साथ देने के लिए तैयार होते हो कि हम आर्मी के? सिबल की तरफ से हमारे को आज तक मतलब कोई यहाँ पर ना सिबलन कोई आया रात को, मतलब आर्मी ने यहाँ देखा, आए आर्मी वाले आए यहाँ देखा है ना, तो पुलिस आई यहाँ पर हमारे पास, पुलिस ने मतलब देखा, सिविल की तरफ से हमारे को कोई यहाँ पर नहीं आया देखने के। क्या क्या देखेंगे? अगर लड़ना है तो आर्मी के साथ लड़ें, सिविल ने इनका क्या गमाया है पाकिस्तान का? आपको लगता है कि पाकिस्तान आर्मी लड़ पाएगी इंडियन आर्मी के साथ? इंडियन आर्मी के साथ अगर लड़ती तो फिर गाँव में क्यों शीलिंग करती? फिर उनके साथ लड़ना था दम होता उनको, अगर उनके साथ लड़ने के दम नहीं है तो यहाँ शीलिंग करते हैं गाँव में बार बार। चलिए।